इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। आपको कुछ पगड़ीधारी और कुछ सफेद कमीज में दिखाई दे रहे होंगे। इन लोगों के पास हथकड़ियां भी हैं और सभी खुद को यूनिवर्सल लॉ ग्रुप के सुरक्षाकर्मी बता रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी ने अपना आई कार्ड पुलिस को भी दिखाने से इनकार कर दिया और टोल प्लाजा जाम करने लगे। उधर मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, मगर आरोपियों ने पुलिस की टीम के एक कर्मचारी के साथ भी मारपीट की और टोल कंपनी के मैनेजर को हथकड़ी पहनाकर उसका अपहरण करने की कोशिश की, जिसके बाद ज्यादा संख्या में पुलिस बल बुलाकर 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पूरे मामले शुरुआत सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर बने भिगान टोल प्लाजा से हुई थी, जब आरोपियों ने टोल देने से ही इनकार कर दिया और हंगामा काटने लगे। हमारे पास कॉल आई थी कि बंदे 9-10 बंदे हैं, 3-4 गाड़ियों में, जिन पे नंबर अलग अलग आए हुए हैं और वो अपने आप को यूनिवर्सल लॉ ट्रस्ट से बता रहे हैं। और उनमें से एक बंदे ने वहाँ टोल मैनेजर को हथकड़ी लगाने की कोशिश करी थी, तो उसको ले जाने के लिए, तो फिर इस इतला पर हम पहुँचे तो जाके उसने पुलिस कर्मचारियों के साथ भी बदतमीजी करी और उनका ये कहना था कि भाई हम यूनिवर्सल लॉ ट्रस्ट से हैं और हम आपके कानून के अंडर नहीं आते हैं और ना इसको मानते हैं, तो उस संबंध में मुकदमा दर्ज करके और जांच की जा रही है। सर कितने बंदों को अरेस्ट किया गया है? 10 बंदे हैं जी। अलग अलग जगह रहने वाले? जी जी जी, ज़्यादातर दिल्ली और यहाँ नोएडा के रहे। गिरफ्तारी डाल दी? जी जी जी। बता दें, आरोपियों ने पुलिस के बार बार कहने पर भी ना तो अपना आई कार्ड दिखाया, इंडिया का कानून मानने पर राजी हुए, जिसके बाद सभी को पुलिस अपने साथ थाने ले गई। इन आरोपियों की गाड़ियों के आगे नंबर प्लेट पर यूएल सिटी है, ऐसे में पुलिस चेसिस नंबर के आधार पर उनके बारे में पता लगाएगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।